पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है? पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यानी जैसे हमने आम बो दिया, आम की सेवा में भी ध्यान है और उसके प्रतिफल का भी हमें ये सहज ध्यान है कि इसलिए इसको कर रहे हैं। ऐसे जैसे हाड़ी बीज धुन और पंथी से बतरावे उसमें खंड पड़े नहीं, ऐसे ये ऐसे ध्यान लगावे। जैसे क्योंकि गरीबदास जी एक जमींदार थे, आम व्यक्ति को हर ढंग से समझाने की चेष्टा करते हैं कि जैसे हाड़ी बीज बो रहा है, बीज धुन, धुन माने उसमें लौ लग रही है उसकी, बीज बीजने में रस्ते में कोई रस्ते से के साथ साथ बीज बीज रहा है और कोई अतिथि आ जाता है यात्री और वो पूछता उससे कि मैंने उस गांव में जाना है, मेरा रास्ता ठीक है या नहीं है, उसको रास्ता भी बता रहा है, उसको संकेत भी दे रहा है, तू ठीक जा रहा है, आगे जाके कुआं आएगा उसे बाई तरफ मुड़ जाना, आगे फिर उसके सामने आप देखोगे नीम का वृक्ष होगा उसके लेफ्ट को यानी दाएं तरफ मुड़ जाना, सामने देखोगे एक और तालाब दिखाई देगा और साथ में बीज भी बीज रहा है, उस बीज के छोड़ने में हल को रोक भी नहीं रहा है और बीज भी बीज, तो उसका ध्यान जहां पर है उससे पल नहीं हटा पा रहा। जैसे हाड़ी बीज धुन और पंथी यानी यात्री से बतलावे उसमें खंड पड़े नहीं, भाई ऐसे ध्यान लगावे, ये हमारी सहज समाधि है। अब कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि पांच यज्ञ होती है यहाँ पर, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। जैसे यहाँ पर हवन चाहे तो लकड़ियों में घी डाल के उसमें हवन कर लो, क्योंकि लकड़ी ढेर सारी जलाने में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगी, क्योंकि लकड़ी जलने से तो धुआं प्रदूषण होता है ज्यादा, वैसे वो चंदन की भी क्यों ना है उनकी महक से कोई लाभ नहीं, वो तो महक चंदन वैसे भी दे रहा है ना फूकेंगे तो भी महक आती है, लेकिन हमारा जो लाभ होगा हमें घी के प्रज्वलित होने से जो वातावरण और इस यज्ञ से हमारा जो बेनिफिट कहाँ जाएगा, इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसका बहुत साइंटिफिक इफेक्ट है। हम यहाँ पर हवन करते हैं, इस हवन का प्रतिफल देव लोगों को ऊपर जाता है और उसके बेनिफिट में हमें कुछ आंशिक उसे यहाँ का बेनिफिट यानी जैसे वर्षा कर देना या कोई और राहत मिलना, साथ में प्रदूषण, जैसे हम श्वास को से शुद्ध हवा लेते हैं और बुरी करके बाहर छोड़ देते, इसका भी हमने ये इसके इसका बेनिफिट यानी इससे इसका कर्ज उतरता है। अब ये हवन यज्ञ है, हम क्या करते हैं एक रुई की एक मोटी बात बना के बाती और उसमें भर के अच्छा घी और सुबह शाम जला देते हैं, और मंत्र क्या होते हैं, मंत्र जैसे अपने परमात्मा की वाणी पूर्ण ब्रह्म की, ये वेदों जैसे मंत्र हैं, वेदों से ज्यादा अच्छे मंत्र, एक तो मुख्यमंत्री का आदेश हो और एक प्रधानमंत्री के मुख से निकले वचन हो, तो वेदों से ज्यादा सुपीरियर शक्तिशाली वचन है यानी मंत्र है कबीर परमेश्वर की वाणी, और फिर उसके बाद उन्हीं की उनके सेकंड नंबर पे उन्हीं के दर्शन के उपरांत इन पांच छह महापुरुषों की वाणी, जैसे आदरणीय गरीबदास जी की, आदरणीय धर्मदास जी की, आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी की, आदरणीय दादू जी की वाणी, लेकिन इनसे भी सुपीरियर वाणी उस कबीर परमेश्वर की है, उसके जो मंत्र हम पढ़ रहे उनसे
वेदों से भी उत्तम लाभ हमें होता है, जो सुबह शाम के नित्यनेम और आरती, संध्यारती और दोपहर की रमेणी जो हम करते हैं, ये हमारा एक हवन और साथ में ज्ञान यज्ञ भी है। अब ये और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडवत प्रणाम, ये भी एक यज्ञ का काम करे। दंडवत प्रणाम करना आम बात नहीं है, ये तो वो पुण्यात्मा करेगी जिसमें भक्ति का अंश बकाया है, और जिनके अंदर भक्ति अंश नहीं है वो झुक नहीं सकते, क्योंकि उनमें वो कीमत अभी बनी नहीं। जैसे सरसों होती है, सरसों, और वो सरसों जब तक उसकी फली आ जाती है, लेकिन फली में सरसों के दाने नहीं बनते, तब तक वो फली ऐसे खड़ी रहती है आकड़ के, और जो जो उस, क्योंकि उसमें उसमें कच्चे दाने हैं, ना खलबन है ना तेल, यो किससे काम नहीं हुआ, इसलिए उसमें आकड़ है, क्योंकि उसमें वह कीमत नहीं जो उसने झुका दे। और धीरे धीरे वो परिपक्व जब हो जाती है तो ऐसे लटक जाती है, जमीन को छूने को हो जाती है, उसके बस की बात नहीं। ऐसे जिन पुण्यात्माओं में पिछला भक्ति अंश है, अब एक बार तो करोड़ साल लग गया कि भैया अच्छी जगह आ गए, सारे बूंदे लौटे, यानी तो सारे लेटते हैं, ये क्या असभ्य सा लगता है, लेकिन न्यूना बेरा ये असभ्य नहीं, ये बिल्कुल सभ्य कर्म है। असभ्य तो जब होगा जब गधे बन जावांगे, सारी उम्र दंडवत करना, पेट का बल चलना, ढाई बन का बोरा, एक मिनट की फुर्सत ना चौकर दे जुलूस निकले, तो हम अपने भगवान के चरणों में चाहे कुछ भी हो हमारा, जैसे भद्रक मार जा किसी ने कितना एंडी पा कर मक्खी मुंह में बड़े और निकले, बता के अभी मान इस माटी का, इस मिट्टी को मिट्टी समझ के भगवान के चरणों में लगाए रखेंगे तो राजी होगा, ये प्रसन्न होगा। आदिनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, और मान बढ़ाई मारियो वह बेअद विसर काल। इस प्रकार हम पांच यज्ञ करते हैं, और बहुत से भक्तात्मा ने हो गए हम तो एक हवन यज्ञ करते हैं, बस हवन यज्ञ करते हैं और उसी से बेड़ा पार हो जाएगा, मंत्र पढ़ते वेदों के बस दैट्स ऑल, और गायत्री का जाप करते हैं, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम। भाई देखो ठीक है, ये गायत्री जो है चार वेदों में से दो दो शब्द निकाल रखे, चारों वेदों में थे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और ऐसे बना के चलो, इसकी स्तुति से क्या लाभ होगा, केवल स्तुति, जैसे हम बिजली के गुण गावे तो, क्योंकि उसमें इस गायत्री मंत्र में क्या है, परमात्मा तू बड़ा तेजो में है, तू सर्वशक्तिमान है, तू ऐसा कर देता है, तू ऐसा कर देता, ये तो गुण है भगवान में, ये तो है, चाहे रोज गा लो और ना गाओ, जैसे बिजली के गुण गावे, इसका संस्कृत में बना ले, चाहे कोई हिंदी में या कोई इंग्लिश में या कोई पंजाबी में, किसी भाषा में उसके महिमा का गुणगान बना ले, कोई गीत राग बना ले, कोई दिक्कत नहीं, उसको गाता रहे बड़ा रोज गाता रहे, और उससे लाभ जो होना है वो तरीका ढूंढे नहीं। जैसे कनेक्शन लेना चाहिए बिजली का, तो बिजली का कनेक्शन लेने के उपरांत ये लाभ देवेगी, जो गुण रोज गाया करते थे, जिसकी महिमा प्रतिदिन सुना करते थे, कनेक्शन लेने के बाद फिर आपने क्या है कि जरूरत ना पड़े, गुण गाचे मत का, उन गुणों का आनंद ले जिसकी रोज व्याख्या होती थी, ऐसे होता है। अब कबीर साहब ने कहा धर्मदास अगर गीता जी के क्यों पाठ मात्र से लाभ हो जावे तो ये तो ना जची बात, फिर धर्मदास असमंजस में पड़ गया, अभी बात तो बिल्कुल सच का है, कहता है हम गीता जी जैसे कहती ऐसे ही तो करते हैं, पहले तो ये बता गीता जी बोली किसने, धर्मदास बोला श्री कृष्ण जी ने बोली, कबीर साहब बोले देखो नाराज मत होना, भगवान श्री कृष्ण काल थे क्या, नहीं नहीं वो काल कैसे थे, वो तो बड़े दयालु थे, बड़े प्रेम था उनमें, यानी सभी पशु भी पक्षी भी ग्वाल बाल भी उनसे बड़ा प्यार पाते थे, वो काल क्यों थे। अच्छा जी ठीक है, अब क्या है कि हम पढ़ रहे हैं रोज कहानी, गीता जी को रोज पढ़ रहे हैं, पर उसमें लिखा क्या ये बुद्धि हमारी काम ना करे, क्यों नहीं करे, क्योंकि गीता जी के पांचवें अध्याय में ये ब्रह्म काल कहता है कि मेरे हाथ में जितने मेरे अंतर्गत मेरे उपासक जितने हंस श्रेषी हैं, चाहे जीव हैं प्राणी हैं देव हैं चाहे महादेव हैं, इनका बुद्धि मेरे हाथ में रिमोट है, जब चाहे इनमें ज्ञान रूपी चांदना कर दूं, जब चाहे इनमें अज्ञान रूपी अंधेरा भर दूं। अभी अज्ञान रूप अंधेरा भर दिया हमारे सब के, चाहे ऋषि हुए चाहे मैं ऋषि हुए, क्योंकि हम इस काल ब्रह्म के साधक रहे, ब्रह्म तक की पूजा इसके हाथ में, ये किसने कैसे नचावे,
तो कबीर साहब कहने लगे, 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूं। क्या कृष्ण जी काल थे? नहीं नहीं, वो तो वैसे विराट रूप दिखाया था। फिर वहां घूम जा बुद्धि। कबीर साहब कहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। तब धार्मिक व्यक्ति था, क्या बताओ जिंदा, आप क्या बताओगे, आप ही बताओ। अब गीता जी के ज्ञान की आवश्यकता कब पड़ी? गीता जी के ज्ञान की आवश्यकता जब पड़ी, तब पड़ी जब अर्जुन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने अर्जुन के प्रार्थना पर रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कर दिया, जब कौरव और पांडवों का युद्ध निश्चित हो चुका था और अर्जुन ने देखा सामने ना जाने कितने वही अपने रिश्तेदार और बहनों के बटेऊ अर्थात बहन होई, क्योंकि काके ताऊ की बहन कोई दूर नहीं होती, और ये भतीजे जिनको गोदी उठाए फिरा कर लिए फिरा करता था दुर्योधन और दुशासन के बच्चों को, आज अपने हाथ से तीर का निशाना बनाऊंगा, और वो भी किसके लिए, एक दो रोटी के लिए। फैसला कर लिया, ना जाने कितनी करोड़ों बहन विधवा होंगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे, ऐसे जुल्म न करके यदि हम राज भी पाएंगे तो भी हमारे जैसा पापी नहीं कोई, ये सोच करके बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा। और बैठ गया पिछले से भगवान ने। अब वहां श्री कृष्ण नहीं थे, श्री कृष्ण का शरीर था लेकिन बोल श्री कृष्ण नहीं, उसके अंदर वो काल प्रवेश कर गया, जैसे भूत प्रेत विष आ जाता है, क्योंकि ये काल इन देवों का एक ऐसी सिद्धि होती है, एक सूक्ष्म शरीर बना लेते हैं बहुत छोटा और हमें इन दृष्टि से नहीं दिखता, वो अपनी अपनी रेंज होती है। अब वो इतना सूक्ष्म रूप है उस काल बनाया जा सकता है और जो का तू हमारे सामने मनुष्य जैसा दर्शन भी दे सकता है, फिर उसको सूक्ष्म निराकार नहीं होता, हमें जो दिखाई ना चीज देती है उसे निराकार मान लेते हैं। अब वो सूक्ष्म बन जाता है, सूक्ष्म और सूक्ष्म रूप बनाकर अंदर प्रवेश करके प्रेत, जैसे प्रेत नहीं एक दूसरे में चले जाते, हमें दिखाई भी नहीं देते, वो मनुष्य जैसे होते हैं, उनका शरीर मानव सदृश शरीर होता है, भूतों का हम देख नहीं सकते, हमारे आसपास घूमते रहते हैं, वो निराकार नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म शरीर होता है, वो अंदर प्रवेश कर गया, जब इस शरीर से बोलते खोखा ये होता उनका बोलने का, उससे वो बोल नहीं पाते, और उसके ऊपर एक और कोट और बनाया जाता, जो परमात्मा आते हैं वो बोल सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर इनसे असंख्य गुना ज्यादा सुंदर, और वो उसमें ये मैटर नहीं हो, मैटेरियल नहीं होता, भूत वाला भी नहीं होता। अब क्या होता है, वो काल ने देखा कि अर्जुन भी युद्ध नहीं करेगा, कृष्ण जी भी कह देंगे बतकर भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब गीता जी के ज्ञान की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि युद्ध नहीं कर रहा था अर्जुन, युद्ध क्यों हो रहा था, युद्ध इसलिए हो रहा था कि कौरव और पांडव का आपस में भाई बंटवारा नहीं हो पाया था, अपना जो राज को वो आधा आधा नहीं बांट पाए थे, क्यों, क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों को हिस्सा देने से मना कर दिया, जिसके लिए श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, 3 बार शांति दूत बनकर गए थे कि दोनों को समझा करते थे, धृतराष्ट्र को भी कहा करते थे और दुर्योधन और पांडव को इकट्ठा बैठा कर कहा करते थे, देखो भाई युद्ध करना अच्छी बात नहीं, इसमें ना जाने कितनी बहन विधवा होंगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे, और क्या क्या पता युद्ध में किसकी मृत्यु हो जाए, कोई पक्का थोड़ा होता है, तुम अपना आधा आधा बांट लो और प्रेम से रहो दोनों भाई, दोनों कौरव भी पांडव भी, लेकिन नहीं माने, सारे प्रयत्न जब फेल हो गए तो तीसरी बार परमात्मा एक बात सोच कर गए, उन्होंने ये भी फैसला कर लिया था, पहले बंटवारे हो गए थे, वो राजा हमारे साथ, वो राजा उसकी सेना हमारे साथ, वो राजा और उसकी सेना हमारे साथ, ऐसे यहां तक बात बिगड़ ली थी, तो भगवान श्री कृष्ण तीसरी बार गए तो उन्होंने सोचा कि कहीं ये पांडव जो है मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन से ब्याही थी, कि कहीं ये पांडव मेरी जो ऊपर जो है ना दर्द हो रहे हो, मेरी शक्ति मान के और ये अनर्थ से नहीं टल रहे हो, परमात्मा ने सोचा त्रिलोकी नाथ ने कि क्यों ना एक पासा और डाल के देख लूं, क्या डाला उन्होंने, दोनों को फिर बुलाया तीसरी बार कि अभी आ जाओ मेरी एक अंतिम प्रार्थना फिर सुन लो,
दोनों को फिर समझाया, जब नहीं माने तो क्या कहा भगवान ने कि भी देख लो ठीक है, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा। और कृष्ण जी कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, ये कसम खाता हूं। भगवान ने सोची थी इस बात से हो सके पांडव ही नरम हो जाए और मेरे साथ चल पड़े, कटे टंटा दो रोटी का धंधा बता, मेरे रिश्तेदार हुआ रह लेंगे अपना बैठ के, क्या बात है। क्योंकि भगवान ने भी तो वराड मिटा दी थी, मथुरा छोड़कर चले गए थे, काल्यवन के साथ नहीं लड़े थे। इस बात को सुनकर पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, अज्ञा तो बात बिगड़ गई। क्योंकि दुर्योधन तो सेना मांगे मांगेगा इनकी, और हमने इनको मांगना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे रिश्तेदार हो गए, जब ना मांगेंगे तुम्हारे जैसे निकम्मे नहीं। और भगवान हथियार भी ना उठावे और हमारी पराजय निश्चित है, ये सोच के पांडव पांचों बाहर आ गए मीटिंग से, सभा से बाहर आ गए और आपस में विचार विमर्श करके कहने लगे कि अब तो बात बिगड़ गई, अब तो इसमें इज्जत है अपनी, भलाई है कि भगवान से कहें कि मैं पांच गांव दिला दे, हमारी इज्जत भी रह जावे और ये अनर्थ भी ना होए, ये जुल्म भी ना होए। भगवान श्री कृष्ण को बाहर बुला के, एक बार बाहर आना भगवान, हम दो बात करना चाहते हैं। श्री कृष्ण उठ कर गए, पूछा क्या बात है, तो यही प्रार्थना की भगवान हमें पांच गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। श्री कृष्ण जी बड़े खुश हुए, वो बहुत है, बहुत अच्छी बात, धन्य तुम्हारे माता पिता ने बहुत बढ़िया सोचा। और आगे अंदर कि जो मैं चाहूं था भगवान होगी, बहुत अच्छा हुआ। अंदर जाकर के कौरव अंदर बैठे थे, पांडव बाहर खड़े थे। अंदर जाकर श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन बात बन गई है और तुम्हारा बंटवारा हो जाएगा, ऐसा काम करो तुम पांच गांव दे दो इनको, वो पांच गांव मांग रहे हैं, कहते हमारी भी इज्जत रह जाएगी और युद्ध भी ना होगा। अब कहा है विनाश काले विपरीता बुद्धि, अब उस दुर्योधन की बुद्धि और ज्यादा बिगड़ गई, उसके मन में ये आ गया कि अब पांडवों के पल्ले कुछ नहीं रहा क्योंकि भगवान हथियार उठावा ने, इनकी विजय हो नहीं सकती। और अब ये डर गए हैं, क्यों बुराई राखी, ये पांच गांव मांगेंगे, कल बराबर में खसेंगे, इनको यहाँ से कति भगा दें। ये सोचकर कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक के समान भी स्थान नहीं है, लेना है तो युद्ध कर ले हमारे साथ। अब इस बात से श्री कृष्ण थोड़े से नाराज हो गए, कहने लगे दुर्योधन तू मानुष मानुष नहीं शैतान है तू, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी नादान, एक कहां पांच गांव कहां आधा राज्य, कुछ तो सोच ले नादान आत्मा तू। इस बात से दुर्योधन नाराज हो गया क्योंकि राजा में अभिमान गणा हो, वो ना समझ सुन नहीं सकता, दूसरा उसको कोई कह दे करड़ी बात तो वो उसकी भुजा फटकर लग जाती क्योंकि उसमें अहम हो जाता है विनाश का, विनाश के लिए तैयार हो जाता तुरंत। तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ संकेत करके अपने योद्धाओं से कहा जो सभा में बैठे थे, अपने भाइयों से कहा कि पकड़ दो इस कृष्ण को और डाल दो कैद में अंदर, युद्ध यहीं से प्रारंभ होता है। जब उसने ऐसा किया तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया जिससे वो कौरव घबरा गए, श्री कृष्ण बाहर आके चला गया, युद्ध की तैयारी होगी। अब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता है और उस समय वो काल 21 ब्रह्मांड का मालिक जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, वो विष्णु वाली आत्मा थी, उस श्री कृष्ण के शरीर में वो ज्योत निरंजन वो भगवान ब्रह्म आकर प्रवेश कर गया प्रेतवत। जैसे चार ऋषियों में महर्षि दानंद जी कहते हैं कि ब्रह्म ने चार ऋषियों के अंदर प्रवेश करके एक आम जीव की तरह अंदर प्रवेश करके और अंदर से फिर ये चारों वेद एक एक ऋषि में प्रवेश करके उन्होंने बोले, उनसे उस ब्रह्म ने बोले, वो भूत की तरह नो प्रवेश हो जाता है और अपना ज्ञान देकर निकल जाता है, फिर वो जीव का जीव जो का नो रह जाता है। तो उसी समय वो काल अपने उस निज लोक तक आके, ऊपर काल का लोक भी है और नीचे आके श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया। नहीं तो वो उसको मालूम था कि श्री कृष्ण तो अब कह देगा, जब अर्जुन मना करता है लड़ने के लिए कह देगा चल बेटा शाबाश बहुत अच्छा रहे, कुछ ना बिगड़ा, अब तक क्या गया है, कुछ नहीं गया, सब जो कहते हैं। लेकिन उसने देखा कि अब ये
कृष्ण जी कह देंगे कि अब लड़ना नहीं है, चलो शाबाश। उसी समय वो काल आ गया और कृष्ण जी की आत्मा को दबा लिया। जैसे एक प्रेत आत्मा दूसरे में प्रवेश कर जाती है और उस बोलने वाली को कुछ भी उस आत्मा जो ओरिजिनल होती है उसको कुछ नहीं मालूम है क्या बोल रहा था, जब तक वो प्रेत आत्मा उसमें रहती है और वो निकल कर चली जाती है। फिर वो ऐसे उठकर देखता है, वो आत्मा जिसको दबा लेती है जाकर बेहोश कर देती है, स्वयं उसके स्थान पर बैठ कर बोलती है। वो बाद में फिर कोई और ही बताते हैं, आप ऐसे बोल रहे थे, आप ऐसे बोल रहे थे, आपने ऐसे कहा था। तो वो दो चार बातें सीख कर फिर आप कहने लग जाता है, एक दिन मैं ऐसे बोली थी, मैं उस दिन ऐसे बोल रहा था, वो उसमें नहीं मालूम था उसे। तो ऐसे वो आ गया और श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये गीता का ज्ञान प्रारंभ कर दिया। अर्जुन ने यहाँ तक कह दिया था, भगवान इस इंद्रप्रस्थ के राज के लिए तो लड़ूंगा क्या, अगर कोई तीनों लोगों का राज भी मुझे दे दे तो भी ना लड़ूं, लड़ाई हम नहीं करें, ऐसा जुलम नहीं करूं। तो उस समय 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन और सबको खाने के लिए अब आया हूँ, परवर्त हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण तो पहले ना साथ रहा करते, पहले कभी नहीं कहा मैं काल हूँ, बाद में कहा नहीं मैं काल हूँ, और उस समय जब कहा मैं काल हूँ तो ये सोचनीय विषय बना। और तू ना लड़ेगा ना तो भी मार दूंगा इनको, तू तो निमित निमित है भाई। 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में अर्जुन कहता है, हे भगवान, उसका देख कर भयंकर रूप डर गया, इतना अर्जुन जैसा योद्धा शेर दिल और कांप रहा है, क्योंकि इसने डरा के धमका के बकवाद करके इस काल ने उस अर्जुन को युद्ध में प्रवेश करना था। अब उसके माध्यम से उस इसने ज्ञान भी देना था उस परमेश्वर के डरते, तो ज्ञान तो जहां तक ज्ञान का तात्पर्य बिल्कुल सही, और जहां इसने युद्ध करवाने की अटकल लगाई वो इसने अपने लेवल में अपने लेवल तक रखी। अब क्या बताया कि अर्जुन देख रहा है, कहने लगा है भगवान आप उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ, क्योंकि श्री कृष्ण को अर्जुन विष्णु का अवतार मान रहे थे और थे ही वो, और वो बोल सोच रहे थे कि ये कृष्ण बोल रहा है, ये चतुर्भुज भगवान विष्णु बोल रहा है, नहीं। वो कह रहे हैं हे विराट रूप, हे हजार भुजा के भगवान, सहस्रा बाहु माने हजार भुजा के भगवान, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आइए, मेरे पे देखा नहीं जाता, मैं आपको वैसे ही शंख चक्र गदा लिए हुए देखना चाहता हूँ, डरता कहे। और 47वें श्लोक में कहता है अर्जुन को, कहता है वो भगवान, कहते देख ले अर्जुन, ये है मेरा वो असली रूप, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है काल, और यो तेरे बिना पहले किसी ने कभी नहीं देखा था, ये तर मैंने कृपा करके तुझे दिखाया है, तेरे से पहले आज से पहले तेरे सिवा किसी ने नहीं देखा था। अब ये बात सोचनी पड़ेगी, जब अगर श्री कृष्ण गीता बोल रहे होते ये नहीं कहते कि तेरे बिना पहले ये विराट रूप मेरा किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि श्री कृष्ण तो कौरवों की सभा में वो विराट रूप अपना दिखा चुके थे, ये नहीं कह सकते थे। अभी देखो इसके लिए बाप ने फिर ये पवित्र गीता जी देखिएगा, 11वें अध्याय के ये चंद श्लोक श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर पहले 32 देखिएगा, इससे सिद्ध होगा कि मैं काल हूं। अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 32, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं, काल है ये, काल है शब्द है, मैं काल हूं। इन्होंने अब चलो लेखक कुछ भी लिख सकता कोई बात नहीं, महाकाल हूं काल हूं, इसमें इन लोगों को नष्ट करने के लिए परिवर्त हुआ हूं, अब आया हूं मैं। बोल ये तो भगवान श्री कृष्ण तो पहले ही विद्वान थे अर्जुन के साथ, ये नहीं कहते कृष्ण जी होते मैं अब आया हूं या परिवर्त हुआ हूं। इसलिए प्रतिपक्ष की सेना में स्थित योद्धा लोग तेरे बिना युद्ध ना किए बिना भी, ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इनका सबका विनाश नाश हो जाएगा। अब 46वें देखो, 46वें क्या कहा है, अध्याय नंबर 11 का और श्लोक नंबर 46, ये मंत्र नंबर 46 है,
मैं वैसे ही, अर्जुन कह रहा है, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा हाथ में शंख चक्र गदा लिए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए विश्व रूप, हे विराट रूप, हे सहस्र बाहु, 1000 भुज के भुजा के भगवान, सहस्र बाहु माने 1000 भुजा वाले, काल 1000 भुजा का भगवान है ब्रह्म, और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के, इनकी माता दुर्गा जो है 8 भुजा की, हे सहस्र बाहु, ये भी पहचान है कि ये काल है, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रगट होइए। नीचे देखो, अब 47 में ये काल बोल रहा है भगवान वाच, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है। तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। ये बात बहुत विचारण की बनी कि अगर कृष्ण जी बोल रहे होते ये शब्द नहीं कहते कि तेरे बिना पहले किसी ने नहीं देखा था। इति सिद्धम के गीता जो है श्री कृष्ण नहीं काल बोल रहा है, श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके उसके अंदर स्थापित होकर और कह रहा है कि मैंने ये अपना विराट रूप तुझे दिखाई, पहले किसी तरह दिखाई नहीं, तो श्री कृष्ण पहले दिखा चुके थे कौरों की सभा में। अब क्या होता है, जैसे एक 100 वाट का बल्लभ हो और एक 200 वाट का और 1000 वाट का, अब चमक दोनों में लेकिन उनकी रोशनी मंत्र बहुत गुना, और फिर सूर्य उदय हो जा, इन सब भगवानों के तेजो में शरीर है। यजुर्वेद के अंदर 5वें अध्याय में स्वयं ये ब्रह्म काल बोलता है, वेदों को भी ब्रह्म ने बोला काल ने, और ये क्या कहता है कि मेरा भी शरीर है वो भी चमकदार है और उस परमेश्वर का भी जनराट है, जनराट माने मनुष्य जैसा, जन माने मनुष्य व्यक्ति जैसा और राट माने चमकदार, तेजो में मेरा भी तेजो में शरीर है, उस परमात्मा का भी तेजो में शरीर है और आम देव का भी तेजो में शरीर है, लेकिन इनमें डिफरेंस अंतर बहुत है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का समझो 100 वाट का बल्लभ, इनकी माता का समझो 200 वाट का, इनके पिता का शरीर समझो 1000 वाट की ट्यूब बल्लभ, और कबीर परमात्मा को समझो ये सूर्य उदय हो जा, और परब्रह्म को समझो चंद्रमा, पूर्ण ब्रह्म को समझो सूर्य। तो ऐसे फिर क्या बताते हैं, तारा मंडल बैठे कर ये चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ जब सूर्य का वैसों तारों छुप जावे। तो परमेश्वर के उस वास्तविक शरीर के सामने, तेज के सामने इन सब का फीका हो जाए, दिखाई भी ना दे, जैसे सूर्य उदय होने के बाद ना चंद्रमा ना सितारे ना कुछ भी ना ट्यूब, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, यानी उनका कोई अहम नहीं, महत्व नहीं रहता। अब दो प्रमाण हो गए, फिर क्या होता है दूसरा, ये कहते हैं कि श्री कृष्ण इसलिए युद्ध करवा रहे थे, भगवान इसलिए युद्ध करवा रहे थे कि अर्जुन अपने अक्षत्रिय धर्म को भूल गया था, नहीं तो अक्षत्रिय ने अक्षत्रिय हो जाते और यह बात बिगड़ जाती, ये भी बात नहीं जची, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अक्षत्रिय थे और उन्होंने भी जब मथुरा पर काल्यवन चढ़ाई कर दी थी 18 करोड़ सेना लेकर, और ये मथुरा के राजा नियुक्त कर दिए थे, किसने, इनके नाना जी ने, अग्रसेन जी ने, इनके मामा कंस का जब इन्होंने वध कर दिया था उस राक्षस वृत्ति के व्यक्ति का, और इसके नाना जी ने कहा था बेटा मैं तो पहले तो वो विराजमान हुए थे गद्दी पे, लेकिन उसके बाद उसने कहा था बेटा मेरे बस की बात नहीं, आप संभाल लो सारे काम ने। तो श्री कृष्ण मथुरा के जब राजा बन चुके थे, कुछ ही समय उपरांत नारद जी ने आकर के उनको बधाई दी थी और साथ में ये बताया था कि एक गुफा है यहाँ पे और उसमें मुचकंद नाम का राजा सोया पड़ा है, और उसमें क्या शक्ति है कि 6 महीने जागता है 6 महीने सोता है, जागता जब युद्ध करता है, सोता है तो खराटे भर कर सोए, और कोई जगा दे उसने अधूरी निंद्रा में तो उसके आंखों के अंदर से अग्निबाण छूटते हैं और सामने वाले को भस्म कर देता है, संकेत कर गया नारद, और ये सारी कहानी काल करवाता है, उसके हाथ में रिमोट है, नारद भेज दिया, नारद ने कथा सुना दी चला गया। अब उधर से काल्यवन ने आक्रमण कर दिया 18 करोड़ सेना लेकर,
कौरव और पांडव की दोनों की 18 अक्षौणी थी और अकेला कल्याण 18 करोड़ सेना लेकर आ गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो बात बिगड़ेगी, ना जाने कितनी बहन विधवा होंगी, ना जाने कितने सैनिक मर जाएंगे और इसकी शक्ति भी हमारे से ज्यादा ही है। लेकिन वैसे तो राजा लोग अपने युद्ध करने से उल्टे नहीं हटते, लेकिन ये भगवान युद्ध के विपरीत थे और ये तो सतोगुणी परमात्मा थे, तीन लोग के मालिक थे। इतना इनमें ज्ञान था कि क्यों विनाश करा, जरा सी बात के लिए अपने एम की खातिर मैं क्यों सत्यानाश करवाऊं किसी का। तो काल्यवन से कहा कि आजा काल्यवन, मेरे साथ कर युद्ध। सेना जरूर खड़ी कर लिया आमने सामने और फिर भाग लिया युद्ध छोड़कर भगवान। उसके बाद उन्हें श्री कृष्ण जी को रण छोड़ भगवान कहने लगे, युद्ध छोड़कर भागने वाला भगवान। नहीं तो युद्ध छोड़ने वाले को तो कायर क्या करते हैं, फिर भी उनको भगवान कहा गया क्योंकि उन्होंने वो नेक काम किया, बुरा नहीं किया। और जाकर के उस गुफा में प्रवेश कर गया जहां पर मुचकन सोया पड़ा था। काल्यवन उसके पीछे पीछे गया तो भगवान ने क्या करा, जाकर के अपना एक कपड़ा रखते हैं चादर से अलगता है, पहले रखते थे वो पीले से रंग की, वो जाके मुचकंद पर उड़ा दी। आप थोड़े से अंदर गुफा में चले गए और काल्यवन आया, उसने देखा कृष्ण यहाँ छुप कैसे हो गया, अब मत बढ़ाऊंगा इसने, ठीक है। पकड़ के टांग उसकी मुचकंद की, उसको श्री कृष्ण समझ कर और ऐसे मरोड़ दी और कहा खड़ा हो कायर, तो कि तुम कहाँ भाग कर आ गया। अब मुचकंद का दर्द होया, पीड़ा से कर्रा कर उठा, सामने अग्नि बाण छूटे, आंखों से काल्यवन का वध हो गया। श्री कृष्ण जी ने पकड़ कर, क्योंकि काल्यवन तो फिर खराटे भरन लग गया पड़ कर, क्योंकि 6 महीने सोना उसने तो, और काल्यवन की पकड़ कर टांग घसीट कर कुत्ते की तरह जैसे मृत शरीर को, और काल्यवन की सेना के सामने पटक दिया। राजा की मृत्यु सेना की हार होती है और युद्ध नहीं होता। वो कहने जाते हुए कहने लगे अपने राजा की सब लेकर महामंत्री कि हम शीघ्र ही राजा नियुक्त करके आएंगे और कृष्ण तेरे से बदला लेंगे, तुझे छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने सोचा अच्छे पागलों के बीच में आया था इनको कुछ सतमार्ग बताने के लिए, कुछ राहत देने के लिए, ये पागल कुत्तों की तरफ मेरे पीछे पड़ दिए। तो भगवान ने वो मथुरा त्याग दी और कहाँ पहुँच गए, विश्वकर्मा को बुला के, विश्वकर्मा एक द्वार की समुद्र में टापू, एक द्वार हो उसमें, और कोई रास्ता ना हो किसी राक्षस किसी राजा के आने के लिए, ताकि एक द्वार पर हम अपनी सेना रख लूँ सारी और अंदर हम अपना सुख से बसें। एक द्वार इका, एक द्वार की नगरी विश्वकर्मा की ने भगवान के आदेश से समुद्र का टापू देख कर वहाँ पूरा नगर बसा दिया, बना दिया और भगवान वहाँ से लेकर सारे यादों को वहां पहुंच गए, बाकी का समय वहां व्यतीत किया। अब क्या होता है, फिर क्या बताते हैं, युद्ध पूरा हुआ। युद्ध पूरा हुआ तो पांडव विजयी हुए, कौरों का विनाश हुआ। युधिष्ठिर को राजगद्दी दे दी। राजगद्दी देकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अब द्वारका जाता हूं, तुम संभालो अपने राज्य को। तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के और यादों के आध्यात्मिक गुरु थे। एक तो ज्ञान गुरु होता है, अक्षर गुरु, अक्षर ज्ञान कराने वाला एक आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण यादव और इनके पांडवों के यानी आध्यात्मिक गुरु थे। सब ने मिलकर एक फैसला किया, एक सलाह की कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका जा रहे हैं, क्यों ना इन गुरुदेव से एक सत्संग करवा लें और जैसा ये हमें वचन कहेंगे इनके वचनों के ऊपर चल कर अपना जीवन सफल करेंगे, कहीं कोई गलती ना कर दें हम बाद में। ऐसी प्रार्थना की भगवान से, सबने मिलकर भगवान ने वो स्वीकार की, स्थान समय और तिथि निहित कर दी। श्रोतागण आकर स्थान ग्रहण कर रहे थे और अर्जुन और श्री कृष्ण उस स्थल के ऊपर घूम रहे थे और सत्संग होने का समय की इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने कहा भगवान जब युद्ध का समय उपस्थित था उस समय आपने मुझे जो गीता का ज्ञान बताया था ना, अब मैं भूल गया भगवान, वही गीता आज ज्यों की तो सुनाना प्रभु, बड़ा आनंद आ रहा था। अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अर्जुन तो बड़ा सरदाइन है, तो निकम्मी आत्मा भाई, तूने ऐसे निर्मल ज्ञान को क्यों बुला दिया, याद रखना चाहिए था। हर्षम कहते हैं अब मुझे तो भाई याद नहीं मैंने के कहा था, अब पूरा पूरा मैं नहीं बता सकता। अब देखो मैं सत्संग करूंगा 4 दिन और आप सुनोगे, चारों दिन जो सत्संग पहली बार सुनेगा उसको पूरे सत्संग का मेरे ख्याल 30% अंश याद आप कर रहे नहीं, और मैं मेरे से आप कभी पूछ लेना चारों दिन के सत्संग को, तभी सुना दूंगा जो का तू
क्योंकि मैं अपने होश में, यही मेरी आत्मा बोल रही है, अगर इसमें कोई और बोल रहा होता तो मैं बाद में ये कहता कि मैं ये कहता तुमसे, तुमने याद क्यों नहीं रखा। अगर मैं आपसे आज कहूँ कभी कि भी तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, बड़े अच्छे, तुम अच्छे श्रोता नहीं हो, तुमने उस सारे चारों दिन के ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा, और मैं कहूँ अब मुझे तो ज्यों का तुम याद नहीं, मुश्किल बात है, तो क्या सिद्ध होगा इसने कि मैं नहीं बोल रहा था, कोई भूत बोल रहा था मेरे में। सीधी सी बात है। अब इसका प्रमाण कहाँ से मिलेगा, ये पवित्र शास्त्र महाभारत आपको ये बताएगा। ये संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये तो शुक्र दास का हाथ लाग गए शास्त्र वक्त है, अगर इन्हें पहला बेरा पट जाती इन मत ये सारे निकाल देते, एक भी ना पाओ आपको, ये तो कृपा मालिक की मेर हुई है, शायद आपके ऊपर असीम कृपा की हमारे ऊपर मालिक ने कि अब ये शास्त्र हमारे पास जो के तो पागिन में बहुत कमियां भी कर रखी इन लोगों ने, और संपादक था संशोधक जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर 667 पृष्ठ पे, ये प्रमाण देखिएगा। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना, यह देखो नीचे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडव नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन जब युद्ध का समय अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का, अर्जुन कह रहा है नीचे, ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा हो रही है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। व्यास जी कहते हैं अर्जुन का ऐसे कहने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन उस समय मैंने अपने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण करा था, अपने सर्वभूत सनातन धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा वह यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। कहते तूने उस उपदेश को क्यों नहीं याद रखा, बड़ा खेद हुआ। उन बातों को अब पूरा पूरा श्रवण कराना होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन निश्चय तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती, अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दुरा देना कठिन है। अब इसे क्या से दोया, श्री कृष्ण जी ने गीता बोलिए ना थी, ये तो बाद में किसी ने बताया था, अब बड़ा बढ़िया गीता का ज्ञान दिया था, जैसे प्रेत आत्मा निकल जाए ना जिसमें थे वो और बता कर फिर वो भी क्या कर, हाँ मैं उसे बोला था, मैं उसे बोली थी, उसका आधी बात याद नहीं रहे, तो ऐसे क्योंकि वो सुनी सुनाई थी, ऐसे भगवान कह रहा था। और उनको कहता है कि तुम अच्छे श्रद्धाहीन, तुमने याद क्यों नहीं रखे, और स्वयं कहता मेरे तो भी याद ना, जो कहते हो मैं नहीं बता सकता। अब फिर देखो महाभारत के युद्ध के उपरांत कई वर्ष के उपरांत वेद व्यास जी ने ये पवित्र गीता लिपिबद्ध कर दी, और भगवान श्री कृष्ण का याद नहीं, बोलने वाले का तो याद नहीं, वेद व्यास ने लिख दी। फिर वो काल ब्रह्म वो ज्योत निरंजन इस वेद व्यास जी की आत्मा में प्रवेश कर गया भूत की तरह, और बैठ कर चारों वेद, क्योंकि प्राकृतिक उथल पुथल के कारण ये चारों वेद कई बार विनाश को प्राप्त हो गए, यानी ये कागज तो समाप्त हो गया, ज्ञान ज्यों का तू रहा। तो गीता जी भी दोबारा टीका लिपिबद्ध कर दी, और श्री कृष्ण के याद भी कोई ना, वेद व्यास के सारी याद उसने सुनी भी ना थी। अब ये सोचने की बात है प्यारी आत्माओं, क्योंकि हम अभी तक ज्ञान से कोसों दूर रखे गए इन स्वयं इन वेदों के और गीता के जानकारों ने, आप ज्ञान नहीं तो ये भगवान कहना के चावे है, अपनी सोच की अटकल लगा कर इनके अनुवाद कर दिए, और हमने ये सोचा वो मैं ऋषि हो गए, उनसे ज्यादा हम नहीं सान सकते, वेदों की तरफ देखना बंद कर दिया कि भी हमारी इतनी बुद्धि काम करे नहीं सकती जैसे वो महापुरुष थे, ना गीता के अनुवाद की तरफ हिंदी देखते रहे, या उनकी सोच के अपने अनुभव के बनावे शास्त्रों को फाइनल मान कर उन उपस्थितों पर हम
आश्रित हो गए, या तो कृपा करी दास के ऊपर इस परम पिता ने एक बुद्धिहीन जीव को अपनी फिर रजा बख्श के ये अपना सत्ज्ञान भर दिया इस दास में आप पुण्य आत्माओं के लिए। अब इससे ये क्लियर हो गया कि श्री कृष्ण ने वेद गीता नहीं बोली और ये बोली काल ने, ब्रह्म ने, ज्योत ने, रद्द ने। अब धर्मदास इस बात को सुनकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, लेकिन पहली बार सुना ना यह बात देर तो समझ में आवे जे बिल्कुल सत्य है और वो असत ज्ञान इस सत्य को भी सत्य स्वीकार करने में समय लेता है, लेकिन ये जब समय ये आ जाएगी ना समझ में फिर सारी ये बात बन जाएगी, पर आएगी क्योंकि वो भी तो सुनने से ज्ञान हुआ था और ना जाने कितने समय से सुनते आ रहे थे, अब इसको सुनेंगे तो और शीघ्र ज्ञान होगा और वह बेड़ा पार होगा। अब धर्मदास इस बात को सुनकर और चुप हो गया, कहने लगा हम तो एकादशी का व्रत भी करते हैं। कबीर साहब बोले देखो व्रत करने के लिए गीता में मना किया है और जैसे गीता में कहा ऐसे करोगे तो ठीक है, नहीं तो भाई बात कति मैं तो मानता नहीं। देखो महात्मा जी आगे तेरी सलाह, गीता जी के छठे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहता है कि अर्जुन ये योग, योग माने भक्ति, योग यो नहीं कति बाल ब्रह्मचारी रह कर आसन लगा कर समाधि नहीं खोले, इसने योग कहते, योग माने यानी एक दूसरे का जोड़ मेल, यानी भक्ति, भक्ति योग के लिए की जाती है परमात्मा की प्राप्ति उससे जुड़ने के लिए। योग का अर्थ होता है कि ये भक्ति न तो अधिक खाने वाले की और न बिल्कुल ना खाने वाले की और ना गणे जागने वाले की, यानी हठ योग करके शरीर जागे जास मंत्र दिखाए जा लोग दिखावा, और ना गणा सोने वाले की कभी सफल नहीं हो सकती। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 6 का और श्लोक नंबर 16 देखो। 16 हे अर्जुन योग यानी भक्ति न तो बहुत खाने वाले का और न ही बिल्कुल न खाने वाले का, न खाना व्रत रखना और गना खाना दड़ी पक्का खा ले फिर आलस हो जा अंगड़ाई टूटे जब आइया में फायदा क्या। हे अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल खाने वाले का, यानी जो बिल्कुल ना खावे व्रत कहे जिसने एकादशी का व्रत बिल्कुल ना खावे और भी व्रत जो है ना खावे कहते वो ना खाना व्रत रखना, और न बहुत सहन करने वाले के स्वभाव वाला और न गना जागने वाले के सिद्ध होता अर्थात यूजलेस। अब धर्मदास इस असमंजस में पड़ गया कि भाई यू बत दिख है मुसलमान और गीता याद इसका, फिर ने सोची भाई भगत आत्मा है कहीं सुन लिया होगा किसी संतों के पास सुन भी लिया होगा बात तो ये सारी है, क्योंकि कबीर साहब मंत्र बोल रहे उसका याद रही है बात, क्योंकि रोज पढ़ा करता कहाँ यूँ कर लेना गर्दन फिर और बात डा दी। कबीर साहब बोले कि आप कहते हो आपके भगवान श्री विष्णु जी, बस ये विष्णु जी तक गीता बोल ले नहीं रहे और फिर भी ना बुद्धि मानती है, तो आप कृष्ण जी को सुप्रीम पावर बता रहे थे, विष्णु जी को अजरो अमर बताते हैं, तो विष्णु जी मान लीजिए गीता बोल रहा, आपकी बुद्धि से चलते हैं। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में ये भगवान स्वयं कहता गीता बोलने वाला कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, आहा जन्म और मृत्यु कभी नहीं मिटेगी, अध्याय नंबर 4 का और ये श्लोक नंबर 5 है। हे परमतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इति सिद्धम के गीता बोलने वाले भगवान भी नाशवान है अजरो अमर नहीं है। और फिर देखो भगवान बताते हैं कि 15वें अध्याय का 4था श्लोक और देखो महात्मा जी, अब उसका तो याद था कंठस्थ क्योंकि रोज पढ़ा करता, उसको देखते ही उस भगवान के कहते उसके मन में आ जाती ओहो याद ये बात कहा, क्या कहा है अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4। इसका 1, 2, 3 का आशय ये है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष अर्जुन और ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है इसका और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी, और इसको इस संसार रूपी वृक्ष को जो संत जड़ से लेकर और नीचे पत्तों तो नारे नारे बता दे
भिन्न भिन्न बता देगा, उसको समझो वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो सही तत्वदर्शी संत है। अब ये जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म, और तना इसका अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, और डार जो है ये ब्रह्म क्षर पुरुष, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवा शाखा। कबीर साहब अपनी वाणी अपने महिमा को आप ही बताते हैं रचे हुए को। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, ये तीनों देवा शाखा है भाई पातरूप संसारे। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पातरूप संसार है। और ये बता कि जो संत इस संसार रूपी वृक्ष को तत्व से मूल से लेकर यानी जड़ से लेकर नारे नारे सब ब्रह्मंडों की परब्रह्म कौन है, ब्रह्म कौन है, जड़ पूर्ण ब्रह्म है, तना इसका परब्रह्म है और डार इसकी ब्रह्म है, और ये तीनों देवा शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और कहता अर्जुन मैं नहीं जानता इसको पूर्ण रूप से, जो तेरे मेरे डिस्कशन में चर्चा हो रही है मैं नहीं जानता पूर्ण रूप से, वो तो कोई संत बतावेगा। और वो संत ये ऐसे बताने वाला मिल जा समझो वो तत्वदर्शी संत है। उसके लिए यहाँ संकेत किया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि अर्जुन उस पूर्ण परमात्मा के बारे में मैं नहीं बता सकता, उसको तो वो संत बताएंगे जो तत्वदर्शी संत होंगे, उनके ज्ञान सुने, उनको फिर दंडवत प्रणाम करे। कतिवी नम्र भावत है अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 34 देखो। अब देखो प्यारी आत्मा, ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है, जितनी बार सुनोगे उतना गीसा गल लगा, इतना आनंद आना चाहिए प्यारी आत्मा को। अब तक तो हम डले डोए थे ना, भी रखे का के पढ़े थे, अब ये वो आनंद है। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़ कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। भगवान कहता मैं नहीं जानता उस परम पिता के बारे में भक्ति पूर्ण रूप से, ना उसकी सारी जानकारी मेरे, ना उसके द्वारा रचे ब्रह्मंडों की मैं जानकारी रखता, वो तो कोई संत जो ये बता देगा ना वो तत्वदर्शी संत होगा, कौन होगा। ये देखो ये 3rd श्लोक में है, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है यहाँ मेरे तेरी चर्चा में विचार काल में नहीं है, तथा मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसका न तो आदि है न अंत है, तथा न उसकी अच्छी प्रकार स्थिति है, और इसलिए इस सुवर्ण मूलम इस दृढ़ अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को सच्चे ज्ञान अतिरूपी हथियार से काटा जा सकता है। अब फिर उल्टा फिर चलो 2 नंबर पर फिर देखो, 1 नंबर देखो पहले 15वें अध्याय का। अब यहाँ से क्योंकि इसको जितना बार सुनेंगे उतना हृदय में सत समावेगी, 15वें अध्याय का 1st श्लोक, आदि पुरुष मूल परमेश्वर मूल वाले यानी जड़ तो उस पूर्ण परमात्मा है उस संसार रूपी वृक्ष की, और अध्याय शाखा नीचे को शाखा वाला ये, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष जो संत मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक और तने और दार नारी नारी बता दे सह वेदवित, वो तत्व से जानने वाला है, अर्थात वह वेद के तात्पर्य को सही जानता है, वह तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक से इसका लिंक है सीधा। अब बता भी दिया कि तत्वदर्शी संत कौन होगा जो इस सारे संसार रूपी ब्रह्मंडों को यानी सारे संसार रूपी वृक्ष को, जड़ कौन है पूर्ण ब्रह्म है, तना उसका परब्रह्म है और डार उसकी ब्रह्म है, और तीनों देवास के पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। कहते हैं ये जो बताने वाला पाजा समझो तत्वदर्शी संत। अब चौथे पाजा सीधे अब आयो चौथे पे कि उसके पश्चात जय वो तत्वदर्शी संत आपको मिल जावे, ये वही 15वें अध्याय का 4th श्लोक, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए फिर लौट कर संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। अपने बारे में बता दिया 4th अध्याय के 5वें श्लोक में, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, हम तो नाशवान है, जन्म और मृत्यु होती है, और उस परमेश्वर की भक्ति करने से जिस परमेश्वर से जन्म मृत्यु नहीं होती, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मंडों की रचना करी है, जिस परमेश्वर से प्रातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है,
उस आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। आपके भगवान कह रहे हैं धर्मदास कि मैं भी उसी की शरण में हूं, उसके अधीन हूं, वो मेरा मालिक है। इस प्रकार निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब देखो, अब यहां ये बातें हमने सोचनी पड़ेंगी। फिर कहता है धर्मदास को कबीर साहब के, देखो 18वें अध्याय का, फिर देखिए 62वां श्लोक, 18 का श्लोक नंबर 62। ए भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को यानी सतलोक चला जाएगा। शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम सतलोक को प्राप्त होगा, और वहां जाकर फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। नहीं तो मेरे पास रहेगा तो तेरी भी मृत्यु जन्म और मेरा भी जन्म मृत्यु। अब ये बातें अब धीरे धीरे आपके समझ में आएंगी, ये समझ में आएगी ना फिर बेड़ा पार कई पीढ़ी ताई का सुख आपका होगा, क्योंकि मानुष शरीर का एकमात्र उद्देश्य केवल प्रभु पाना और काल के जाल से पीछा छुटवाना है। अगर यही नहीं बना चाहे राष्ट्रपति बन जाना यहाँ पे, क्योंकि अपने भागते तो आपको सुख होगा, आपका ही कर्म आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाओगा, क्योंकि पिछले जन्म में आप पुण्य कर्मी होगे तो बनोगे, और उस मलाई ने खाकर चले जाओगे अपने पुण्य कर्मों को, भविष्य की नहीं बनेगी तो फिर पशु बनेंगे, ये परमात्मा का नियम है। अब धर्मदास इन बातों ने सुनकर असमंजस में पड़ गया, कहने गए भगवान ये आदमी है घम चक्कर, ये दिखे तो एक जो है जो क्या नाम है मुसलमान, और सारे शास्त्रों को कंठस्थ याद किए फिर है। फिर उसने सोचा भाई ये साधु लोग होते हैं, इनमें कुछ सिद्धि पिद्धि भी होती है, ये ऐसे कोई तो ना किधर सुन सुना ली होगी रहस्य करा होगा। फिर कबीर साहब ने बताया कि आप कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर है, ये अजरो अमर तो नहीं है। देखिए देवी भागवत महापुराण प्रश्न नंबर 3 स्कंद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके अनुवाद करता है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रित है। इसके 3 स्कंद पे अर्थात 114 प्रश्न से प्रारंभ करेंगे, मैं आपको केवल वो दिखाऊंगा 123 नंबर प्रश्न पे, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं स्वीकार करता है कि हम तो जन्म और मृत्यु के अंदर, 3 स्कंद, भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा के स्तुति करता है, तुम शुद्ध रूपा हो, सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है, मैं विष्णु ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा तो आविर्भाव, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता, हम तो जन्म और मृत्यु के अंदर, हम अविनाशी नहीं है, और केवल तुम नित्या हो, जगत जननी और प्रकृति देवी हो और सनातनी देवी हो। प्रकृति शब्द गीता में काम आएगा आपको, जो ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता बताऊंगा आपको। यह देखो शंकर, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम हो। अब दोनों बातचीत होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अविनाशी नहीं है, और इनकी माँ जो है ये दुर्गा है, और ज्योत निरंजन ब्रह्म ये काल इनका पिता है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। फिर कबीर साहब ने बताया कि 14वें अध्याय के 3, 4 और 5 श्लोक को फिर देखिए धर्मदास, इसमें स्वयं ये काल कहता है कि दुर्गा तो मेरी पत्नी है, और ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये इसी प्रकृति से उत्पन्न हुए, दुर्गा से, ये पवित्र गीता जी। और यहाँ देखिएगा ये 14वां अध्याय 14वां अध्याय, और यहाँ देखो 3 श्लोक में लिखा है, हे अर्जुन मेरी महत प्रकृति ये दुर्गा तो सभी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, मैं काल
उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ, जड़ योग उससे तत् माने उससे सब भूतों की उत्पत्ति होती है, सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। नीचे देखो चौथे में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, मैं काल बीज स्थापन करने वाला सबका पिता हूँ। और पांचवें में देखो, कमाल कर दिया, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न अर्जुन ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, अर्थात दुर्गा इनकी माँ है, ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अब इसके लिए फिर आपका, क्योंकि हर सत्संग में नई नई आत्माएं आती हैं, उनको ये असमंजस बना रहेगा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश गुण कैसे हो गए, ये भी इस देवी भागवत महापुराण में आपने अभी कर निर्णय लेना होगा, और तब ये हृदय आपका गदगद होता रहेगा, नहीं तो आपको शंका बनी रहेगी और आप आगे सत्संग भी नहीं सुन पाओगे। ये देवी भागवत महापुराण सभाष्टीकम से मातम खेमराज कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, इसके तीसरे स्कंद में देखिएगा, ये दूसरा स्कंद समाप्त होता है, अथ देवी श्री देवी भागवत श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ति तृतीय स्कंद प्रारंभ थे। फिर देखिए शुरू से, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ति तृतीय स्कंद प्रारंभ थे। इसमें भगवान शंकर कहते हैं, ये सातवां अध्याय श्लोक समाप्त हुआ, आठवां प्रारंभ हुआ ये मंत्र। भगवान शंकर कहते हैं, माता यदि हमारे ऊपर आप सदा दयायुक्त हो तो मुझको हमको यानी मेरे समेत मुझको तमोगुण किस प्रकार प्रधान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बढ़ा दिया। नीचे देखो संस्कृत, यदि दया धर्मना, यही सातवां समाप्त हुआ आठवां प्रारंभ हुआ, संस्कृत देखिए, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, भगवान शंकर कहता अहम माने मैं क्यों बना दिया तमोगुण और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों रजोगुण बना दिया, और सुहित किमो सतोगुण हरि आपने भगवान विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया, इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये भी आपके सामने सिद्ध हुआ। अब इन बातों ने सुनकर धर्मदास की तो सिट्टी फिट्टी होगी खत्म, और उसने सोचा भाई अच्छा नास्तिक टकराया, आज तो ये बड़ा कमबख्त आदमी, और बात सारी साची कह, तो कबीर साहब ने कहा कि जिसको कहो तुम नंद का लाल वो कहे मैं सबका काल। कबीर साहब बोले जिसको तुम नंद लाल कहो और वो कहे मैं सबका काल सब ने खाऊं, और ग्यारहवें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन आंखों देखा बताता है, भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो जो आप ही के गुणगान करे, और आपके आगे हाथ जोड़े खड़े है। ये देखियो वही पवित्र गीता जी अध्याय 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन ने कहे परमात्मा आप तो इन ऋषियों ने भी खाओ और देवताओं को भी जो आप पे के आगे हाथ जोड़े, आपके मंगल मंगल स्रोत वेदों के अनुसार सतोत्तर आपसे मंगल कामना कर रहे हैं, बख्श दो बख्श दो, उन भी खाओ आप तो। 11वां अध्याय का श्लोक नंबर 21 ऊपर देखो, ये श्लोक नंबर 21 है, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, देवताओं को भी खा रहे हो आप तो, प्रवेश कर रहे हो आपके मुख में आ रहे सारे, और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके सामने आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, और महर्षि और सिद्धों के समुदाय वो भी तैयार खड़े हैं आपका, कांपन लग रही कि तुम्हारी नंबर आ गया, कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं और आप उनको भी खा रहे। फिर ये क्या कहता है 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, अर्जुन मैं तो काल हूं भाई सब ने खाऊंगा किसी ने ना बख्शू। यहाँ कबीर साहब कहने लगे धर्मदास अब मान लीजिए आप श्री कृष्ण कह रहे हो, वैसे तो वैसे कृष्ण जैसी पुण्यात्मा काल नहीं थी, वो तो सतोगुण भगवान थे, वो तो उनके पास गोपियां भी प्यार पाया करती थी, गायें भी आकर के खड़ी हो जाती थी, उनका एक ट्रक देखती रहती थी, नहीं हो सकते धर्मदास, पर भाई तेरी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि आपकी बुद्धि डाउन नहीं आ रही अभी। फिर परमात्मा ने उसको छेड़ने के लिए कहा, जिसको कह तू नंद का लाल और वो कह मैं सबका काल, बता भी फिर काल की पूजा करके वो सब ने खावा तो उसके उपासकों को भी खा रहा, तो आप ही देख रहे हो अर्जुन आंखों देखा बता। धर्मदास बोला बाबा जी जिंदा मुझे शिक्षा ना दे और घड़ा ना बोला, मेरी आत्मा दुख है
श्री कृष्ण के भाव नानू गना मत का मेरे इन हमारे भगवानों के बारे में। कबीर साहब बोले भाई कुएं में पड़े आंखों देखी बिना मानता गदा कहीं का। परमात्मा कहते हैं कि जान बूझ साची तजय और फिर भी करे झूठ से ने वाकी संगति है प्रभु फिर स्वप्न में बिना दे। इतना सोच के अंतर ध्यान हो गए परमात्मा। अब धर्मदास की आत्मा तो मान रही थी भाई बात तो महाराज जी सर ये सची कह रहे थे और देख कर्म इनने किस किसे कर्म बिगाड़े। आंखों से जब एकदम अदृश्य हो गया तो और गणा डर लग गया और यथार्थता समझ में आ गई कि कोई आम व्यक्ति तो नहीं था भाई। जब मुसलमान होकर एक एक शब्द याद कर रखे हर गीता हर वेद और शास्त्र के ये आम आदमी नहीं था। ये तो हो सके कोई और कोई भगवान हो कोई देव हो और तूने तो जुल्म कर दिया पाप का भागी हो गया क्योंकि भक्त आत्मा का डरिया बहुत करे। उसने सोची सारी रात नींद ना आई नींद नहीं आई तो और यूं प्रार्थना करे भगवान एक बार आ जाओ फिर दोबारा एक बार दर्शन दे दो आपने अब मैं कुछ नहीं बोलूं सारी बात सुनूंगा आपसे क्योंकि वह सारी बात सामने आने लग रही तो काल है सब ने खावा ब्रह्मा विष्णु महेश ने यो सब देवताओं भी ना छोड़ा और यू अब ये तो स्वास्थ्य गीता बोली को ना श्री कृष्ण ने क्योंकि बेशक उस समय ना मनवा पर बाद में विचार करने पर विवश हो जाएगा वो प्राणी चाहे कितना इशाना बन रहा हो कितना आरूढ़ हो इस पुराने ज्ञान पे। तो सुबह मनसा मार के अपना क्या करा वक्त से उठा और ऐसे जमीन लिपी रोटी बनाने लग गया खाना बनाते अपनी जैसी पूजा मन मार के करी पर उस दिन उसके बाद पूजा करने को दिल कति नहीं किया। उसका सवेरे अपना खाना बनाने लग गया रोटी बनाऊं पहले तो अब खाना बनाने लग गया तो एक मोटी लकड़ी लिया तोड़ के क्यों जंगल में तो ढूंढ के लानी वह बीच तो थोथी थी होलो थी और वो उसने लगा दी चूल्हे में सही होगी लकड़ी और लगा के अग्नि जला दी प्रज्वलित कर दी रोटी बनाने लग गया सब्जी सुब्जी बना के और जब देखा ना वो जलती जलती जब बिल्कुल चूल्हे के पास आ गई बाकी बच गई एक फुट की सवा फुट की जब उसकी दृष्टि पड़ी उस लकड़ी के पिछले हिस्से पे उसमें तो क्या देखा उसने ना जाने कितनी ये काली काली चींटियां अपने अपने अंडों को मुंह में लेकर बच्चों को या कुछ वैसी उससे बाहर भाग रही है बाहर उस सुराख से और सुराख के पिछले हिस्से पे लकड़ी जो गिल्ली होती है थोड़ी थोड़ी चाहे मामूली सी भी गिल्ली क्यों ना हो उसके पिछले हिस्से पे तरल पदार्थ सा ऐसे उबलता जैसे चाय उबला करे उसमें चींटियां गिर रही हैं चटक चटक होकर जल रही हैं क्योंकि बाहर निकलने जगह ना मिला रास्ता नहीं मिला और अंदर कुछ वैसे अग्नि में जल गई। जब धर्मदास ने देखा उस प्यारी आत्मा ने क्योंकि साधु कोई भी किसी मार्ग पर लग रहा है चाहे वो किसी पंथ से संबंधित है वो प्यारी आत्मा में दया बहुत होती है